वेलकम टू माय चैनल। ये हम पढ़ने वाले हैं स्टीम नोजल के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्टीम नोजल्स। क्वेश्चन दिया हुआ, ड्राई सेचुरेटेड स्टीम एट अ प्रेशर ऑफ 15 बार एंटर्स इन अ नोजल एंड इज डिस्चार्ज एट प्रेशर ऑफ 1.5 बार। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द स्टीम व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टीम इज नेग्लिजिबल। इफ 10% ऑफ द हीट ड्रॉप इज लॉस्ट इन फ्रिक्शन, फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन द फाइनल वेलोसिटी। क्वेश्चन में दिया हुआ एक ड्राई सेचुरेटेड स्टीम पर इसमें प्रेशर अप्लाई हो रहा है नोजल में, जब एंट्रेंस कर रहा है स्टीम तो ये हो रहा है 15 बार प्रेशर पर। इसको जब ये डिस्चार्ज कर रहा है तो इसका प्रेशर हो रहा है 1.5 बार पर। तो इसमें हमको क्या करना है, ये हमको ज्ञात करना है फाइनल वेलोसिटी में ज्ञात करना है। इनिशियल वेलोसिटी को नेग्लिजिबल लिया हुआ है और यदि हम 10% हीट ड्रॉप करते हैं जो फ्रिक्शन लॉस करते हैं तो उसका हमको जो फाइनल वेलोसिटी होता है उसको हमको परसेंटेज कितना रिडक्शन होगा उसके बारे में बताना है। तो क्वेश्चन में गिवन में लिखेंगे P1 इक्वल टू दिया है 15 बार, P2 इक्वल टू दिया 1.5 बार। जब स्टीम नोजल में एंटर कर रही है तो उसका प्रेशर है 15 बार और जब ये एग्जिट कर रही है P2 है तो ये 1.5 बार प्रेशर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द स्टीम की फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे। तो इसके लिए हम फ्रॉम स्टीम टेबल्स करस्पोंडिंग टू अ प्रेशर ऑफ 15 बार वी फाइंड दैट एंथैल्पी ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। इसमें हम क्या करते हैं, स्टीम टेबल के द्वारा 15 बार के प्रेशर पर हम चेक करते हैं, वैल्यू याद करते हैं एंथैल्पी की ड्राई सैचुरेटेड स्टीम पर। तो हमारे पास आ जाएगा H1 इक्वल टू आ जाएगी वैल्यू 2789.9 किलोजूल पर किलोग्राम। ये स्टीम टेबल से आएगी, स्टीम टेबल से हम चेक करेंगे तो स्टीम टेबल से ये वैल्यू आ जाएगी। एंड करस्पोंडिंग द प्रेशर ऑफ 1.5 बार एंथैल्पी ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। ड्राई सैचुरेटेड स्टीम पर अगर हम 1.5 बार के प्रेशर पे एंथैल्पी देखेंगे तो H2 की वैल्यू आ जाएगी 2693.4 किलोजूल पर किलोग्राम। जब भी आप स्टीम टेबल में चेक करेंगे तो ये 15 बार पे अगर हम चेक करें तो हमारे पास एंथैल्पी की वैल्यू आ जानी चाहिए, ये आएगी। और 1.5 बार पे हम चेक करेंगे तो इसमें एंथैल्पी की वैल्यू आ जाएगी ये वाली। तो इस टाइप से हम इसमें चेक करते हैं कंटिन्यू स्टीम टेबल के द्वारा। इसके बाद हीट ड्रॉप निकाल लेते हैं, क्योंकि H1 हमने ये निकाल लिया, H2 ये निकाल लिया। हीट ड्रॉप का फार्मूला क्या होता है, ये होता है HD इक्वल टू H1 माइनस H2 होता है। H1 हमारे पास ये दिया है और H2 ये दिया है तो इसमें रख देंगे वैल्यू। तो 2789.9 माइनस 2693.4 सॉल्व करेंगे तो 96.5 आ जाएगा किलोजूल पर किलोग्राम, ये आ जाएगा हीट ड्रॉप। इसके बाद हमको क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द स्टीम की फाइनल वेलोसिटी निकालना। तो फार्मूला होता है V2 इक्वल टू 44.72 अंडर रूट HD। HD हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हमने निकाला है HD कहाँ निकाला, ये निकाला 96.5, तो यहाँ रख देंगे 44.72 अंडर रूट 96.5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 439.3 मीटर पर सेकेंड। इस टाइप से हम इसमें फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं। फाइनल वेलोसिटी निकालने के बाद हम निकालते हैं परसेंटेज रिडक्शन इन दी फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी में कितने % रिडक्शन होता है। सो वी नो दैट हीट ड्रॉप लॉस्ट इन फ्रिक्शन 10% इसमें रिडक्शन हो रहा है, इसका हम परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। सो नोजल कोफिशिएंट और नोजल एफिशिएंसी हम निकालते हैं तो K इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 0.1, ये हो जाएगा 0.9। नोजल एफिशिएंसी आ जाएगा 0.9। तो इसके लिए वी नो दैट फाइनल वेलोसिटी ऑफ द स्टीम निकालेंगे V2 इक्वल टू फार्मूला लग जाएगा 44.72 अंडर रूट K इंटू HD। अगर हमको परसेंटेज रिडक्शन आता तब हमको ये करना है प्रोसेस, अगर परसेंटेज रिडक्शन नहीं आया तो वहीं पर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमको वेलोसिटी निकालना ही आता है, परसेंटेज रिडक्शन का क्वेश्चन कम ही आता है। तो इसलिए हमको ये 44.72 अंडर रूट K इंटू HD है, वैल्यू रख देंगे K की वैल्यू 44.72 अंडर रूट K की वैल्यू 0.9 इंटू HD की वैल्यू आ जाएगी 96.5 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में हमारे पास आंसर आ जाएगा 416.8 मीटर पर सेकेंड, ये फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा। इसके लिए हम परसेंटेज में निकालेंगे तो परसेंटेज रिडक्शन इन फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा 439.3, पहले वेलोसिटी आई थी, अभी वेलोसिटी आई रिडक्शन होने के बाद 416.8 आई है। और अपन 439.3 इंटू 100 तो इसको आ जाएगा 5.1। तो ये आ जाएगा 5.1% रिडक्शन हो रहा है इसमें वेलोसिटी।